बहुत ज्यादा पेट्रोल डाला, पेट्रोल डलवा लिया बहुत ज्यादा। वंश कितना डलवा लिया? 3,000 रुपए का। हाँ जी भैया। अच्छा जी, जिसमें से चलिए सिर्फ 500। अब कल हम जा रहे हैं तो ये कह रहे हैं कि भाई गाड़ी दे दो हमें, और लेकिन हम पेट्रोल पूरा भर के क्यों दें, राइट? तो इसके चलते हमने कोई जुगाड़ ढूंढा बहुत हाई लेवल का। हाँ आ गया भाई, आ गया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका मेरे चैनल तहलका प्रैंक में। गोवा में तहलका मचा रहे थे हम, और हम अब हमें सुबह जाना पड़ रहा है दिल्ली। और हमारे साथ क्या हुआ पहले ये बता। हमारे साथ ये हुआ, हमने पेट्रोल बहुत ज़्यादा डला लिया है, बहुत ज़्यादा पेट्रोल डला, पेट्रोल डलवा लिया बहुत ज़्यादा। और अब जैसे ये तो पेट्रोल देते नहीं हमें गाड़ी में डालकर, जिनसे गाड़ी रेंटल लेते हैं हम, और अब हमने डलवा लिया बहुत सारा पेट्रोल इसके अंदर। वंश कितना डलवा लिया? 3,000 रुपये का। हाँ जी भैया। अच्छा जी, जिसमें से चलिए सिर्फ 500 रुपये की चलिए। 500 से 600। आज की वीडियो उनको, उन बच्चों को, उन लोगों को सीख देगी जो पैसे की बर्बादी करते हैं, जिनको पैसे संभालने नहीं आते और जीवन में वो कामयाब नहीं हो पाते। तो देखो, कुछ लोग बोलेंगे सन्नी भाई तो छोटी सी बात थी, तो हम बोलेंगे नहीं मेरे भाई, 3,000 का पेट्रोल था, और 3,000 बहुत बड़ी चीज़ होती है। अगर जो बंदा कमाना जानता है, मेहनत करना जानता है, पसीने बहाना जानता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये छोटा बहुत पसीने बहाता है अपनी दुकान पे, मेहनत करता है, और छोटा बहुत पसीने बहाता है, बहुत दिन रात मेहनत करता है, मतलब इतनी मेहनत करता है आपको बता नहीं सकता। दोनों बहुत मेहनती है, हाई लेवल पे। पेट्रोल भी दिखा दो है, पब्लिक को पेट्रोल भी दिखाओ ना, आज ही टाइम। हाँ चालू कर भाई। दिखाओ, आज टंकी है। अब कल हम जा रहे हैं तो ये कह रहे हैं कि भाई गाड़ी दे दो हमें, और लेकिन हम पेट्रोल पूरा भर के क्यों दें, राइट? बिल्कुल भैया, बिल्कुल। तो इसके चलते हमने कोई जुगाड़ ढूंढा बहुत हाई लेवल का। नहीं भाई, इसमें डालेंगे पेट्रोल जी। कैसे डालेंगे? पाइप से। पाइप हमें मिल, आगे आ जाओ। हमें पाइप मिल नहीं रहा था भाई, पाइप का जुगाड़ हो नहीं रहा था, तो हमने एक तरीका ढूंढ लिया, हम डालेंगे पाइप के अंदर पाइप। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, ये भैया ये क्यों कर रहे हैं, पेट्रोल हम कोई एयर फ्लाइट में लेके जा तो सकते नहीं है, ये तो फैक्ट सी बात है। भैया का दिल इतना दरिया है, भैया ने बोला कि भाई ये मैं निकाल के ना, जो भी यहाँ पे छोटे ऑटो वाले दिखते हैं इन्हें, आज सुबह से दिखे इन्हें बहुत सारे लोग, जिनके लिए इन्होंने बोला यार वंश इनके लिए ना कुछ करके जाऊँगा, और सिर्फ यही मोटिव था। देखो 2500-3,000 बहुत बड़ी चीज़ होती है, और नहीं भी होती जब घूमने आते हो, लेकिन इनका दिल ऐसा था, कहते कि ये मैं एक एक लीटर की बना के अपने सारे जितने भी मेरे को लगेंगे जरूरतमंद, मैं उनको सबको बांट के जाऊंगा। तो दोस्तों पाइप हमारा तैयार हो गया है। वंश कितना लंबा चाहिए पाइप? भैया लंबा तो बहुत चाहिए। कितना लंबा बहुत चाहिए, कुछ आइडिया तो दे। बारिश आ रही है वहाँ से। बारिश वहाँ से आ रही है? वहाँ से आ रही है, भक्ति जा रही है भाई। हाँ भाई चलो जल्दी जल्दी जल्दी, टैंक खोल। वो तो खोल ले बेटा, टंकी खोल ले, चलो डाल भाई। खोली नहीं उसकी, ये ले पकड़ डाल ले। अच्छा क्या लगा दिया? हो गया आजा चल छोटे, मार फूक मार, रुक जा रुक जा रुक जा, वो तो डब्बा रे जी, छोड़ मार, कर दे नीचे कर दे, आ गया। निकाल फूक करके, कहाँ आ रहा है? फूक। हाँ आ गया भाई, आ गया बहुत सारा, आ गया भाई पूरा, खींच दे। तो दोस्तों बारिश आ गई थी, बाकी की वीडियो दिखा नहीं पाए, फ़ोन में बैटरी भी ख़त्म हो गई थी, तो आपके भाई ने पाइप से जुगाड़ करके पाइप बनाया। आपने देखा स्ट्रो थे, स्ट्रो कम से कम हमने जोड़े, नाना करते हैं कितने स्ट्रो जोड़े हमने, 12 स्ट्रो जोड़े, और उसका बनाया पाइप, और छोटे ने सारा पाइप, ये क्या करके खड़ा छोटे तो? ऑर्डर अच्छा, हाँ स्मेल आ रही है, तो इसको एक बोतल में रख दे और बंद कर दे, लेकिन उससे फर्क थोड़ी पड़ेगा, और निकल जाएगा ये तो। अच्छा तो दोस्तों आप भी ना ये मत सोचा करें यार कि ये 2,000 है, 500 है, 800 है, पैसा होता है लेकिन मेहनत का होता है, मेहनत के पैसे को मत गाया। आपने नोटिस किया होगा आपके पिताजी बोलते हैं बेटा तू 200 रुपये उसको वहाँ क्यों दिया आया, बिना मतलब के क्यों दिया आया, तूने उसका हिसाब क्यों नहीं लिया, तो पिताजी आपके अच्छे के लिए बोलते हैं, जिससे कि आपको जीवन में अच्छी सीख मिले। आपके पिताजी भुगत भोगी हैं, सब कुछ उन्होंने देखा हुआ है ज़िंदगी में, कहाँ क्या करना है, कैसे पैसे बचाने हैं, आपको वो ज्ञान देते हैं, आप उनके ज्ञान को लेते नहीं हो, आप उनसे बहस करते हो, तो बहस ना करके पैसे की कदर को सीखें आप। वंश कितने लोग हैं जो यार माता पिता से बहस करते हैं, 100 रुपये दे दिया पापा का क्या हो गया, 50 रुपये दे दिए क्या हो गया, लेकिन बता यार कैसे, कितनी मेहनत लगती है। बिल्कुल भैया बिल्कुल, सीरियसली बहुत मुश्किल है पैसा कमाना आज के टाइम पे,
और वैसे इतने सारे सर्कमस्टेंसेस होते हैं, चाहे कोई भी बिजनेस हो, चाहे कुछ भी आप करते हो, चाहे आप जॉब भी करते हो, आप अपने आप को कितना पेन करते हो सुबह से लेकर रात तक, हर एक चीज होती है यार। लोगों को लगता है वंश देख, तूने एक दुकान से तीन दुकानें कर ली, बिल्कुल तू चाहता तो ये भी कर सकता था भाई, घर पे आराम से टीवी देखूं। अब मैं बड़ा बन गया हूं, बड़ा आदमी बन गया, मेरा कपड़ों का बहुत बड़ा कारोबार पूरी दिल्ली के अंदर, इंडिया के अंदर, लेकिन तू ये कर लेगा तो फिर दोबारा से बिल्कुल नीचे आ जाएगा। भैया मेरे को सबसे ज्यादा यही होता है कि अपनी शॉप पे जाके जो हम आप सारे भाई आते हैं हमारे पास जब मिलने, तो हमें बहुत अच्छा लगता है, आके बोलते हैं कि भैया हमने आपको देखा था, हम आपसे मिलने आए हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। और काम पूरा दिन खड़े होकर मेहनत करना, एग्जैक्टली काम की जब तक आपके अंदर काम की झील नहीं रहेगी ना भैया, मुझे नहीं लगता आप काम कर पाओगे। तेरा भी ये सीन है यार, नहीं तू पूरा दिन, तेरा जूतों का बहुत बड़ा कारोबार पूरे भारत के अंदर, तू भी अगर चाहता तो ये सोच सकता भाई मैंने 5-6 करोड़ कमा लिए, अब आराम से नहीं लेता हूँ, मौज करता हूँ। फायदा नहीं भैया, कोई फायदा नहीं है बिना मेहनत के, कोई फायदा नहीं है, मेहनत करोगे तभी कुछ फायदा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो दोस्तों आपको मैंने बता दिया यार, माता पिता की सीख लिया करो, उनसे बहस मत किया करो, तुम्हारे फायदे के लिए बताते हैं, तुम्हारे अच्छे के लिए बताते हैं। और वीडियो को शेयर करना, जो बच्चे बिगड़े हुए हैं, जो माता पिता मेरी वीडियो देख रहे हैं, आज के बाद आपने माता पिता का कहना मानना है और अच्छा बन के दिखाना है भाई। थैंक यू सो मच, बाय बाय। फेसबुक से लेके यूट्यूब तक छारा, वो है हमारा तेलका भाई, करता है केयर, दे दो तुम देयर, कॉमन नहीं ये तो बंदा है रेयर, दिल्ली का लौंडा ये सबसे अलग है।